अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पोटैटो फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर लें। थोड़ा सा स्पाइसी मैंने बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी कुछ खा लें, तो मैंने कहा कि चलो फ्रेंच फ्राइज ही बना दें और जल्दी भी बन जाती हैं, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि फ्रेंच फ्राइज आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये किस तरह बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने ली है पोटैटो, मैंने बहुत ज़्यादा ली है क्योंकि मैं बाकी लोगों के लिए भी बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपको चाहिए और इसको इस तरह कट कर लेंगे जिस तरह मैं कट कर रही हूँ। पहले मैं सारे आलू को कट करके फिर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने फिर क्या करना है। ये देखिए सारे आलू को मैंने काट लिए हैं, इस तरह मैंने शेप दिया है। और अब इसको मैं कपड़े के साथ जो है थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। इसको मैंने कपड़े के साथ ड्राई कर लिया, अब इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं, तो इसलिए इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, वो 4 टेबल स्पून है। आप इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो, वो डाल लेंगे 4 टेबल स्पून। इसको पहले मिक्स कर लेंगे हम जो है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मैं जो है 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है चिली फ्लेक्स डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बनाने हैं। अगर आपने कम बनाना है तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। मैं स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऑयल को मैंने पहले से जो है गर्म किया हुआ है और इसमें मैं कुछ फ्रेंच फ्राइज डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा जो है हल्दी भी डालूँगी क्योंकि वो जो है इससे थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा साथ में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दूँगी। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक किया हुआ है। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज ये वाले तैयार हो गए। अब मैं थोड़ा और भी फ्राई करूँगी, आपको दिखा दूँगी। हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है वो सारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर लें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर लें क्योंकि लाइक से आप लोग का कुछ नहीं जाता, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे कमेंट में बताएं कि ये फ्रेंच फ्राइज कैसे बने हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।